तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक होंगे। और आज हम नए एनिमे की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है द टेल ऑफ आउटकास्ट। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कि देखने को मिलती है एक बच्ची जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। अब वो अनाथ होती है और खड़े होकर भीख मांग रही होती है। वो सबसे पैसे मांगती है लेकिन उसको कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता है और एक बुड्ढा बगल से उसको देख रहा होता है। फिर वो चर्च में उसको लेके जाता है और उसको पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुझे खाना इसलिए नहीं खिला रहा हूँ कि तू ढंग से भीख तक ना मांग पाए। मैं यहाँ कोई चैरिटी नहीं चला रहा हूँ और इसके ऊपर खाना फेंकने ही वाला होता है। लेकिन वो थोड़ा सा डॉस करके बच जाती है। जो वहाँ पे ब्रेड रखी होती है उस पे फफूंदी लगी हुई होती है और वही वो ब्रेड खा रही होती है और उसकी आंखों में होते हैं आंसू। हालांकि उसकी जिंदगी इतनी खराब भी नहीं होती है। जैसे ही लेट नाइट होती है अपनी विंडो पे वो नॉक करती है तो वहाँ पे आता है मार्वस। और मार्वस जो होता है वो एक डीमन होता है और उससे बात ही कर रही होती है। पीछे से वो बुड्ढा दोबारा आ जाता है और वो आके उसे पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तू सुबह नहीं उठी टाइम से तो हम दोबारा से वो भीख मांग लिए नहीं जा पाएंगे। यहाँ से ये भी पता चलता है जो मार्वस है उसको कोई और नहीं देख सकता और इस बच्चे की लाइफ जो होती है काफी ज्यादा खराब होती है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी सी बैक स्टोरी। जो मार्वस होता है वो रोड पे घूम रहा होता है, दुनिया में कोई भी उसको देख नहीं सकता है। वो अपनी जिंदगी से परेशान होता है और सोच रहा होता है कि जब कोई मुझे देख ही नहीं सकता, किसी के लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या मैं ऐसे ही जिंदगी भर भटकता रहूंगा। वो जो बच्ची होती है वो भीख मांग रही होती है, उसको ये देखता है, उसके ऊपर धक्का मारता है, उसके सारे सिक्के गिर जाते हैं, सिक्के वो दोबारा उठाने लगती है और मार्वस उसको बोल रहा होता है कि तेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्या तू ऐसे ही पूरी जिंदगी जीती रहेगी जब तक तू मर नहीं जाती। और वो जो लड़की होती है वो उसको देख पाती है और लड़की को थोड़ा सा डर लगने लगता है और मार्वस को समझ में आ जाता है कि ये लड़की उसको देख सकती है, जब तक वो बुड्ढा आता है उसको खींच के लेके चला जाता है। फिर देर रात हो जाती है तो मार्वस जो होता है वो इसकी खिड़की पे आता है और वो लड़की से पूछता है क्या तू मुझे देख सकती है। तो वो बताती है हाँ मैं बचपन से ही डीमंस को देख सकती हूँ और ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और वो इसे कहती है कि अगर तू फ्री है तो क्या मेरे को कहानी सुना सकता है क्योंकि मुझे कोई अच्छे ड्रीम्स नहीं आएंगे। तो उसको कहानी सुनाता है, इसलिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो हर रात यही सिलसिला चलने लगता है। वो हर रात आता है, इसको कहानियां सुनाता है। अब ये कहीं जा नहीं सकती है तो ये कहानियां सुनकर ही खुश हो जाती है। दूसरा तो देखने को मिलता है एक लड़का जिसके ऊपर एक डीमन अटैक करता है। वो उसको डॉज करता है, उससे फाइट करता है, उसके अंदर दो गोलियां चला देता है और लेकिन वो अभी जिंदा रहता है। अपनी जीप से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, उतने में दूसरा लड़का आ जाता है, उसकी जीप को काट देता है और ये उसके सर पे गोली मारता है और खत्म हो जाता है। इस लड़के का नाम होता है स्नो। फिर एक रिंग जैसी मिलती है, वो अपने मीटर से उसको चेक करता है और मीटर में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो ये जो डीमन होता है वो ऐसे ही होता है। दोबारा से मार्वस के पास कहानी जाती है और वो बच्चे को और भी कहानियां सुना रहा होता है। और यहीं पे पता चलता है जो मार्वस है वो ह्यूमन में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, लंबे टाइम के लिए नहीं। और जब वो ह्यूमन में कन्वर्ट होगा तो जो दूसरे लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं। और इसको देख के जो औरतें होती हैं वो सारी सिंप करने लगती हैं जब भी वो ह्यूमन बन के घूमता है। उसके बाद फिर मार्वस वहां से चला जाता है। जो बच्ची होती है इसको कहती है जब से मैं तेरे से मिली हूँ मैं अगले दिन के लिए इंतजार करने लगती हूँ। जब से मैं छोटी थी मैं अपनी आंखों को हेट किया करती थी क्योंकि मैं वो चीजें देखा करती थी जो दूसरे लोग नॉर्मल लोग नहीं देख सकते थे, जिसकी वजह से वो लोग मुझसे डरा करते थे। उसकी वजह से जो बच्चे थे उसको पत्थर मारा करते थे और उसको मॉन्स्टर बुलाया करते थे, उसको अपने पास से भगा दिया करते थे। लेकिन अब इन्हीं आंखों की वजह से मैं तुम्हें देख पाती हूँ और ये चीज मेरे लिए ट्रेजर से कम नहीं है। उसके बाद जो मार्वस होता है वहां से चला जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मैं इधर उधर भटक रहा था लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चाइल्ड मेरे को दिखा जो कि बस मुझे देख सकता था, लेकिन उसमें ऐसा क्या है कि मैं बार बार उसके पास जाता। और अगले दिन की सुबह होती है तो पता चलता है वो जो बुड्ढा होता है वो चर्च वाला उसने भेज दिया होता है इस बच्ची को और जो इसका खरीदार होता है वो उसको ले जाने आने वाला होता है। जिसको सुनकर ये बच्ची थोड़ा सा परेशान हो जाती है, हताश हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वो करेगी क्या। और वो लोग अगले दिन आने वाले होते हैं इसको ले जाने के लिए। फिर वो मार्वस से मिलती है, मार्वस सारी चीजें बताती है और उसको पता चलता है कि वो स्लेव ट्रेडर है। सेम कहानी हुई थी जब उसके बड़े भाई को उससे ले लिया गया। उसका बड़ा भाई चला जाता है ये कह के ले जाते हैं कि वो मेंशन में जाएगा, वहां पे काम करेगा, लेकिन ये मेंशन में जाकर पता करती है तो वहां पे बड़े भाई का कोई नाम निशान होता नहीं है। तब से ये उसको ढूंढ रही है लेकिन वो कभी भी नहीं मिला उसको। वो चाहती है कि मार्वस उसको अपने साथ लेके चला जाए लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ये उसके कोड ऑफ डीमंस के अगेंस्ट हो जाएगा। अगर ये लोग ह्यूमंस को बचाते हैं बिना कोई प्राइस दिए तो उनकी जो बॉडी होती है वो रिटेलिएट करती है और टूटना शुरू हो जाती है। तो बच्ची कहती है तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरी सोल को अपने साथ ले जाओ, वैसे भी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, मेरा भाई था जो कि मेरा था अब वो मेरे साथ नहीं रहा, तो एटलीस्ट मैं
हमारे साथ रह सकती हूँ। पर डीमंस ऐसा करते हैं ना कि एक ही लाइफ के बदले उसकी कोई विश को पूरा कर सकते हैं, तो प्लीज मेरी लाइफ ले लो। तो ये चीज भी वो डीमन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसी भी लाइफ को सीक नहीं करता है, क्योंकि वो एक इमोर्टल होता है और हमेशा के लिए यंग होता है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी की भी लाइफ को लेने की। और वो अपनी जिंदगी में वैसे ही बहुत बोर है, तो वो कहीं जा भी नहीं सकता। अगले दिन हो जाती है, फिर एक आता है और उसको अपने साथ लेके चला जाता है। फिर दोनों जो फाइटर देखते हैं वो आते हैं चर्च पे, उसके दरवाजे पे लात मार रहे होते हैं, उसको खोलने के लिए कह रहे होते हैं, वहीं पकड़ो के मारो जो होता है वो देख भी रहा होता है, और जो बुड्ढा होता है दरवाजा खोलता है। फिर दूसरी तरफ देखने को मिलता है मेंशन, जहाँ पे वो बच्ची होती है, वो पहुंच जाती है मास्टर के पास। वो उसको कहता है कि तू आज मेरी बच्ची बन के रहेगी और तू मेरे साथ रहेगी। उसको लेके जाता है, उसका कमरा दिखाता है, और वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा होता है जो कि टॉर्चर करने वाला होता है। वो जो आदमी होता है वो दरवाजा बंद करता है और क्रीपी सी स्माइल दिखता है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है चर्च वाला सीन, जहाँ पे स्नो होता है उस फादर को मार रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे हमें डीमन की प्रेजेंस नोटिस हुई थी, तो आखिर वो है कहाँ, और वो लात मारता है बड्ढे को और बाहर निकाल देता है। स्नो ये भी कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन सा यहाँ बिजनेस रन कर रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये शट डाउन करने में। और वो बड्ढा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बिजनेस की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक सिल्वर हेयर कलर की लड़की रहा करती थी जो कि रात में खुद से बात किया करती थी, तो मैं भी वो उसके बारे में जानती होगी वो। और वो बताता है कि उसने रिच लॉर्ड को उसे बेच दिया है, और वो ये भी बताता है कि मैंने ये भी सुना है कि वो एक फ्रीक है जो कि टॉर्चर करता है बच्चों को, और वो सुनकर वो खुश हो रहा होता है। जिसके बाद जो मारोस होता है उसको ये शॉक लगता है, और जो स्नो होता है उसको मुक्का मारता है, उसे दांत तोड़ देता है। और स्नो कहता है कि ताकि नामी मुझे कुछ चीज को टेक केयर करना होगा, तो मुझे जाना होगा। अपने में जो डीमन होता है वहां से निकलता है, और उसकी जो प्रेजेंस होती है, जो मेजरमेंट एपरेटस होता है, उस पर नोटिस होती है। अगेन दिखाया जाता है मेंशन का पार्ट, जो बच्ची को वो जानता है टॉर्चर करने वाला होता है, वो उसके हाथ में मारती है। देखने को मिलता है जो उसका हाथ होता है वो नकली होता है, उसमें एक हुक लगा होता है, वो लड़की पीछे पड़ता है। लड़की जो होती है वो इधर से उधर भागने लगती है, और वो उसको मारने ही वाला होता है, उतने में वहां पहुंच जाता है मार्वस, और कहता है कि ये ले पैसे और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर, और ये लड़की मेरे साथ जाएगी, और जितने तुझे पैसे चाहिए वो उतना ले सकते। वो कहता है मुझे पैसे से मतलब नहीं है, ये स्पेसिमेन जो है वो काफी अच्छा है मेरे लिए। और जब मार्वस की बॉडी होती है वो क्रम्बल करना शुरू हो जाती है, जो बच्ची होती है इसे दौड़ते हुए उसकी तरफ जाती है। वो जो बड्डा होता है वो अटैक करने के लिए इस पे आता है, लेकिन ये अपने बालों की मदद से उस पर अटैक करता है और उड़ा देता है। उतने में ही लग जाती है आग, और वो जो बच्ची होती है वो मार्वस के पास पहुंच जाती है, और मार्वस कहता है कि मुझे लगता था मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, मैं कुछ भी देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे हर वो रात अच्छी लगती थी जो मैंने तेरे साथ बिताई थी, उसी से मैं अपने बोर्डम को भूल जाता था, और ऐसा मुझे कभी फील ही नहीं हुआ है, और मुझे लगता था मैंने गिव अप कर दिया है अपने फ्यूचर डिजायर्स पे, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तेरे साथ फ्यूचर बनाना चाहता हूं। उतने में ही देखने को मिलता है एक और डीमन जो कि बहुत ही खतरनाक से रूप में आ चुका होता है, वो अटैक करने वाला होता है। मार्वस उसको किसी तरह डिफेंड कर रहा होता है, वो क्रम्पल होने लगती है बॉडी, उसके ऊपर अटैक उसके काम कर रहे होते हैं, और डीमन कहता है कि तुम यानी कि तूने पैक नहीं बनाया है, तू रूल्स के अगेंस्ट चला गया है, तो इस तरह तो हरा नहीं सकता। वो अपनी पावर इकट्ठा करने लगता है, जो लड़की होती है वो कहती है मेरे साथ पैक्ट बना, और जो मेरी आंखें हैं जिससे मैं तुझे देख सकती हूँ, मेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो तू ले सकता है एज अ पैक्ट। और वो मार्वस को करना पड़ता है और इनका पैक्ट बन जाता है, और वो डीमन को देखते देखते हरा देता है। और डीमन होता है वो पहचान जाता है कि ये एक्चुअली ये मार्वस है कौन, ये वन ऑफ द 13 कैलमिटीज में से एक होता है, और मार्वस एक झटके में उसको खत्म कर देता है। मार्वस उस बच्चे से कहता है कि तू बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, तूने ऐसा क्यों किया, अभी तो मैंने मन बनाया था कि मैं तेरे साथ पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ। और वो बच्ची बताती है कि यही एक चीज थी जो कि वो ऑफर कर सकती थी, अब वो पूरी दुनिया को इसकी आंखों से देखना चाहती है और इसकी जो स्टोरीज हैं उससे सुनना चाहती है, और वो एक्साइटेड होता है इस जर्नी के लिए। उसके बाद जो स्नो होता है वो अंदर आ जाता है, और पता चलता है जो रेड हेयर डीमन था वो अंदर आया था, और वो सिल्वर हेयर गर्ल को अपने साथ लेके चला गया, और वो ये अभी भी बोल रहा होता है कि इतना बढ़िया पीस मेरे को आज तक नहीं मिला था। स्नो उतने में मुक्के मुक्के मारने लगता है और उसको पीटने लगता है, और उतने में ही कहता है कि इंतजार करना कि मैं जरूर आऊंगा। और पता चलता है कि जो ये स्नो है ये विस्टीरिया यानी कि उसी लड़की का भाई है, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तैयार एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग, बढ़िया और मजेदार। अब ये पहला ही एपिसोड था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्टोरी इतनी जल्दी इतनी अच्छे से ग्रिप करेगी, लेकिन ये काफी ज्यादा बढ़िया स्टोरी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।